किसी जमाने में लालू प्रसाद ने बिहार में स्कूटर पर भैंस गायों को लाद कर भिजवाया, तो अब जब जमाना नीतीश कुमार का आया तो परिवहन विभाग ने बाइक, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर राज्य के विभिन्न घाटों से बालू की सप्लाई करवा दी और इस खेल में सरकारी खजाने को करीब 355 करोड़ का चूना लगा दिया। विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से बिहार सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ये खुलासा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वित्तीय वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में हुआ। सीएजी की रिपोर्ट जारी करते हुए महालेखाकार राम अवतार शर्मा ने बताया कि 2020 के लिए खनिज राजस्व प्राप्ति का मूल्यांकन, संग्रहण और इसके लिए प्रयोग में लाई गई सभी प्रक्रियाओं की बारीकी से जांच की गई। बिहार के 14 जिलों में बालू परिवहन के लिए जारी किए गए 2,43,811 ई चालान की जांच में लगभग 46,935 ई चालान फर्जी पाए गए। इनमें बाइक, ऑटो, स्कूटर, कार, एम्बुलेंस और ई रिक्शा से बालू ढोया गया। महालेखाकार की रिपोर्ट बताती है कि राज्य सरकार के 16 कार्यमंडलों में लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापित 33,191 के ई चालान में से 21,192 फर्जी पाए गए, यानी कुल ई चालान के 64% फर्जी पाए गए। महालेखाकार ने दावा किया कि जिला खनन कार्यालयों में 230 करोड़ के 20,700 नीलामवाद के मामले लंबित पाए गए हैं। इन कार्यालयों द्वारा करीब 95 करोड़ रुपए की सुरक्षित राशि की वसूली नहीं हुई है। यही नहीं, जहां खनन की मनाही है वहां भी खनन करवा दिया गया। राज्य सरकार ने अवैध बालू खनन, परिवहन और विक्रय को लेकर कई अफसरों पर कार्रवाई की। एक दर्जन से अधिक आला अधिकारियों पर केस दर्ज करने के अलावा कई कार्रवाई की गई। इनमें आईपीएस स्तर के अधिकारी तक शामिल हैं। यहां तक कि जिला पुलिस ने भी कई जिलों में संयुक्त अभियान चलाकर बालू से जुड़े मामलों की कार्रवाई की है। बड़ी संख्या में बालू माफियाओं को पकड़वाया गया, खासकर राजधानी पटना के अलावा भोजपुर, सारण, भागलपुर, बांका समेत कई जिलों में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। खनन विभाग के अधिकारियों पर भी आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई की और उनकी संपत्ति तक को खंगाल डाला। कई अधिकारियों की अवैध संपत्तियां जब्त की गईं। कई जिलों की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर बालू से जुड़े मामलों में आरोपियों को कटघरे में खड़ा किया। इसके तहत कई तरह के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी सामने आए। एक बार फिर महालेखाकार के रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उससे खलबली मच गई है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।